नमस्कार दोस्तों, मैं थोड़ा दोस्त मनु मोड़ते। अज की यह अपनी सत्तवीं क्लास है साइंस के इंपोर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटड। इस तो पहला भी पंजाब के जिन्हें भी प्रीवियस एग्जाम हुए हैं उन्होंने रिलेटड मैं थोड़ा 6 वीडियो प्रोवाइड करवा चुका है। जो तुम वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो के एंड में तुम्हें उस वीडियोज़ का लिंक मिल जाएंगे, क्लिक करके एक बार विजिट जरूर कर लियो। तो हूँ आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अपने सीधा क्वेश्चन से आने। क्वेश्चन नंबर 47 यह कहता है कि मनुखी लहू का पी एच मुल की होंगे, तो 7.4 पी एच ह्यूमन ब्लड का होंगे है। तो दोस्तों काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एस एस सी विच नैशनल क्वेश्चन मान के चलो, हर एस एस सी के एग्जाम यही क्वेश्चन पक्का देखने को मिलता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 48 की गल करिए, दुर्लभ खून का समूह केड़ा है, मतलब जोड़ा सारे ब्लड ग्रुपों के उपर चढ़ाया जा सकता है, तो ओ नैगेटिव वह ब्लड ग्रुप होंगे है जोड़ा सब ग्रुप के खून उपर चढ़ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 49 की गल करिए, हीमोग्लोबिन मौजूद धात का की नाम होंगे है। दोस्तों हीमोग्लोबिन आयरन मौजूद होंगी है, आयरन का जो कैमिकल नेम होंगे वो एफ ई नाल संबोधित करते हैं। यह भी क्वेश्चन देखने बन सकता है कि आयरन का जोड़ा कैमिकल नेम की है, तो एफ ई आपको याद रखना पड़ेगा। दोस्तों नैक्सट क्वेश्चन की गल करिए, क्लोरोफिल मौजूद धात का की नाम होंगे। दोस्तों क्लोरोफिल मैगनीशियम मौजूद होंगे, तो इसका कैमिकल नेम एम जी नाल पछाणा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 की गल करिए, दोस्तों शहद में कौन चीनी पाई जाती है, जो मधुमक्खी का शहद होंगे उस चीनी पाई जाती है, फ्रूटोज नामक शुगर उस पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 52 की गल करिए, विटीकल्चर डैश नाल संबंधित है, विटीकल्चर दोस्तों अंगूर के उत्पादन नाल संबंधित है। दोस्तों अगे चलने तो पहले एक छोटी जी इनफॉर्मेशन तुहाडे लई, जे तुसीं कंप्यूटर साइंस और पोल्ट्री के इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की पीडीएफ फाइल में खरीदना चाहते हो यानी परचेज करना चाहते हो, तो यही मेरा इंस्टाग्राम आईडी नंबर है, इस पर मैं फॉलो करके मेरे नाल गल करके फिर तुसीं इस इंपोर्टेंट पीडीएफ फाइल में परचेज कर सकते हो। पीडीएफ फाइल का प्राइस 44 रुपीज़ यानी 44 रुपये है। दोस्तों इस पीडीएफ फाइल में प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन या उन्होंने रिलेट करते हुए क्वेश्चन, मतलब जिस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वह सारे इस पीडीएफ फाइल में इंक्लूड किए गए हैं। जो अपनी तैयारी को परफेक्ट बनाना चाहते हो तो यही मेरा इंस्टाग्राम आईडी नंबर है, फॉलो करके मैसेज करके एक बार बाय जरूर कर लो, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंटों ने यह ऑलरेडी बाय कर लिया। क्वेश्चन नंबर 53 की गल करिए, सिरका में कौन एसिड मौजूद होता है, तो एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल सिरका में मौजूद होता है, तो इसनों कैमिकल नाम के नाल CH3COOH के नाम नाल जाना जाता है, इसका कैमिकल नेम है। तो क्वेश्चन नंबर 54 की गल करिए, पीयूष ग्रंथि शरीर में कितने पाई जाती है, तो दिमाग में होती है दोस्तों पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 55 की गल करिए, दिमाग में कुल कितनी ग्रंथियां होती हैं, तो टोटल दिमाग में 3 ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलमस ग्रंथि, पाइनल ग्रंथि। ओके दोस्तों काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी। तो क्वेश्चन नंबर 56 की गल करिए, जीव विज्ञान का पिता कौन माना जाता है, यानी बायोलॉजी फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो अरस्तु इंग्लिश में आप एरिस्टोटल कह दें, तो पंजाबी या हिंदी में आप अरस्तु इसको कह दें, यह एक साइंटिस्ट का नाम है। एरिस्टोटल या अरस्तु को बायोलॉजी का फादर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 की गल करिए, दोस्तों क्विनीन किस दरख्त की शक तो प्राप्त होंगे, मतलब क्विनीन नामक एक दवाई होंगी है दोस्तों, तो यह किस दरख्त की छाल तो आपको प्राप्त होंगे, तो सिंकोना नामक पौधा होंगे जिसकी छाल तो आपको या जिस शक तो आपको क्विनीन की दवाई मिलती है। क्वेश्चन नंबर 58 की गल करिए, दोस्तों क्विनीन की दवाई किसी बीमारी लिए वरतन योग्य है, तो मलेरिया हो जाता है तो उस टाइम आपको डॉक्टर वालों क्विनीन नामक दवाई दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 59 की गल करिए, नाइट्रोजन किस लिए जरूरी है, दोस्तों सबनों पता है नाइट्रोजन प्रोटीन बनाने लिए, प्रोटीन के बनने में नाइट्रोजन हेल्प करती है, तो इसका सही आंसर प्रोटीन बनाने लिए होगा। दोस्तों उम्मीद है तुम्हें वीडियो थ्रू थोड़ी तैयारी बढ़िया चल रही है, जिमें कि मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें प्रोवाइड करवाना, जे तुम नोट कर रहे हो तो मैं मान सकता कि तुम्हारी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। पर दोस्तों सिर्फ वीडियो पर ही निर्भर ना रहो, तुम बुक्स विचों भी स्टार्ट करो, जिस सवेरे के टाइम बुक्स विचों स्टडी करते हो तो शाम को यूट्यूब पर उही टॉपिक सर्च करते हो, तो मेरे अकॉर्डिंग सब तो बेस्ट तैयारी एग्जाम की तुहाडी होगी। हुण सुबह के टाइम मैं भी जिहड़े क्वेश्चन बुक्स विचों रीड करता हूँ, तो शाम को तुहाडे वास्ते उन्हां क्वेश्चनां विचों इंपोर्टेंट एमसीक्यू जिहड़े हुंदे ने उन्हां दी एक वीडियो तुहानूं प्रोवाइड करवा दिंदा। तो मेरी एडवाइस यही है, सब तो पहला बुक विचों रीड करया करो और फिर यूट्यूब से सर्च मारया करो, जिन्हें भी क्वेश्चन तुहानूं इस रिलेटेड मिलते हैं सारे अपने नोट्स बनाओ तो अपनी नोटबुक में लिख लो। एंड साइंस के सिलेबस में मैं किहड़ी बुक विचों कवर कर रहा हाँ उसका लिंक, उस बुक का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिता है। जो तुम साइंस की बुक जी बेस्ट बुक उसको परचेज करना या खरीदना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिता हुआ, उस तो जाके उसको चैक कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बुक स्टोर पर जाओ और उस नाल दी बुक खरीद लो। उस तो भी बैटर यह रहेगा कि तुम एमाजॉन तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, हों कि लेटेस्ट एडिशन एमाजॉन पर मिल जाती है, मार्केट नालों घट प्राइस में आपको एमाजॉन तो यह बुक मिल जाएगी।
ओके दोस्तों, साइंस की बुक का लिंक जी वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में मैं ऑलरेडी दे दिता है। तो हूँ आप क्वेश्चन नंबर 60 की गल करते हैं। तो प्रोटीन डैश मिलकर बनता है, तो प्रोटीन विच अमीनो एसिड होंगे जोड़ा वह उसके तत्व होंगे ने, फिर जा अगे जाके प्रोटीन बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 61 की गल करिए दोस्तों, ऑप्थोमोलॉजिस्ट किसी कहते हैं? जो अखा के डॉक्टर होंगे ने उन्होंने ऑप्थोमोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 62 की गल करिए, विटामिन के का मुख्य काम की होंगे? यह खून का थक्का जमण में मदद करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63 की गल करिए दोस्तों, मनुखी शरीर का सब तो कठोर हिस्सा केड़ा है? तो दंद मनुखी शरीर का सब तो कठोर हिस्सा है। तो क्वेश्चन नंबर 64 की गल करिए दोस्तों, सर्वव्यापी दानी खून का समूह ओ नैगेटिव है। तो क्वेश्चन नंबर 65 की गल करिए दोस्तों, बच्चे की लिंग में की निर्धारित करता है? तो नर क्रोमोजोम यानी मेल स्पर्म विच जो क्रोमोजोम होंगे ने एक्स ते वाई दे बेस से ही निर्धारित होंगे कि यह लड़की होगी या लड़का होगा। इसनों आप मेल एलोसोम भी कह दें, बट अपने समाज में इस तरह की मैंटैलिटी बनी हुई है पुराने बुढ़िया से बुढ़िया में कि इस बहु कारण या इस लड़की कारण साड़ी लड़की हो जाती है। वह यह नहीं सोचते कि लड़की होगी या लड़का होगा, सारा कुछ उन्होंने पुत्र यानी उन्होंने बेटे उपर निर्भर करता है। तो करके जो तुम भी इस टाइप के किसी इंसान को जानते हो तो उन्होंने समझाओ कि लड़की होगी या लड़का होगा, यह मेल पर निर्भर करता है ना कि लेडीज़ पर निर्भर करता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 की गल करिए, नमूनिया कारण किस शरीर के अंग में सोजस आ जाती है? तो फेफड़िया में नमूनिया कारण सोजस आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 67 की गल करिए, नमूनिया कारण किस शरीर में कौन सिस्टम प्रभावित होता है? तो सांस प्रणाली यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रभावित होता है नमूनिया कारण। क्वेश्चन नंबर 68 की गल करिए दोस्तों, विकासवाद का सिद्धांत किस विज्ञानी द्वारा दिता गया सी? तो चार्ल्स डार्विन नाम का एक विज्ञानी सी जिसने विकासवाद का सिद्धांत दिता सी। हुण दोस्तों कमेंट में मैनू एक गल दसो, देखो व्यू चंगे खासे आ जाते हैं, वीडियोज लाइक घट आते हैं, सबसक्राइब वो तो भी घट आते हैं। इन्नी बेनीफिशियल वीडियो तुम्हें प्रोवाइड करवा अपना जाना कि जो आप सबसक्राइब बटन में दब के चले जावे, जो कोई बिल आता ज कोई जुर्माना पैंता तो वह मैं वीडियो के कमेंट में दस दो कि सर जो सबसक्राइब करते हैं चैनल तो इस टाइप का सूँ बिल आ जाता है, जिसका इस टाइप का सूँ घाटा पै जाता, तो करके असं सबसक्राइब नहीं कर सकते। तो फिर मैं भी तुम्हें कहाँगा नहीं कि चैनल में सबसक्राइब कर लो तो वीडियो में लाइक कर लो। ओके दोस्तों, चलो ये तो फालतू की गल सी, करना हो कर दो, नहीं करना हो ना करो, बस इनफॉर्मेटिव वीडियो में लेंदे रहो। तो क्वेश्चन नंबर 69 की गल करिए, विटामिन बी का सब तो चंगा स्रोत की है? तो अनाज यानी कणक में आप कह सकते हैं विटामिन बी का सब तो चंगा स्रोत। जे एग्जाम अनाज लिखा आ जाए क्वेश्चन जे ऑप्शन तो अनाज से आप टिक करेंगे, बट कणक में मेन मनिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 70 की गल करिए दोस्तों, कि ग्रंथी सिर्फ जवानी तक क्रियाशील रहती है? तो थाइमस नामक ग्रंथी होंगी है, जिमें जिमें आप बुढ़े होंगे रहने जब बुढ़ापा आता रहता तो यह ग्रंथी खत्म होती रहती है। नंबर 71 की गल करिए, बेरी बेरी बीमारी कि विटामिन की घाट कारण होंगी है? तो याद रखो दोस्तों, विटामिन बी वन की घाट कारण बेरी बेरी की बीमारी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 72 की गल करिए, बेरी बेरी की बीमारी में कौन सिस्टम प्रभावित होता है? तो दिमागी प्रणाली यानी नर्वस सिस्टम काफ़ी प्रभावित होता है बेरी बेरी की बीमारी। क्वेश्चन नंबर 73 की गल करिए, गन्ने डैश शामिल होंगे तो ग्लूकोज और फ्रूटोज नामक शूगर गन्ने प्राप्त होंगे है? ओके दोस्तों, ऐसे साइंस के कुछ होर इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस, एंड हुण नेक्स्ट पार्ट जो मैं वीडियोज़ बनावगा वो तुहाडे डिमांड ते बनावगा। वीडियो में मैं कमेंट करके दस दिओ कि सर मैनू नैक्सट टाइम इस टॉपिक दे यानी इस सिलेबस के टॉपिक दे कोई वीडियोज़ यानी क्वेश्चन आते या एमसीक्यू ते सानू वीडियोज़ प्रोवाइड करवाओ, तो मैं उस टॉपिक के रिलेटेड इंपोर्टेंट एमसीक्यू फाइंड करके तुहानू एक वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगा। ओके दोस्तों, हम मिलते हैं आप कल शाम को 6 बजे। जो वीडियो बेनीफिशियल लगती है प्लीज़ चैनल में सबसक्राइब कर लो, वीडियो में लाइक कर लो, तो सपोर्ट की बहुत जरूरत है।